अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम मियाँ वाली में। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब अमीर तरीके लब्बैक आज इधर जलसा करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाशिम रिज़वी साहब, आइए इनसे कुछ इस हवाले से बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अल्लामा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, जैसे कि जानते हैं कि अल्लामा साहब इधर आ रहे हैं, अल्लामा हाफिज़ साद रिज़वी साहब, तो इस हवाले से क्या तैयारियाँ जलसे की? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से डेट मिली है कारकुनान उस दिन से पुरजोश हैं और दिन रात मेहनत की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पंडाल सज चुका है। कारकुनान इस्तकबाल के लिए, कायदे मोहतरम के लिए पुरजोश हैं, और इंशाल्लाह वक्त हुआ चाहता है कि हम भी निकल रहे हैं और इंशाल्लाह अमीर मोहतरम की ज्यारत भी करेंगे, और इंशाल्लाह अजीम शान इस्तकबाल भी होगा वहाँ बजरा जहाज़ चौक में, और इंशाल्लाह अहमदाबाद में अजीम शान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में नक़द होगी। अच्छा, अभी इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से कितना दूर आप इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं? तकरीबन यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर इस्तकबाल है जी, और उसके आगे तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर बनेगा जहाँ पर पिंडाल है। मतलब इतने जो किलोमीटर आप बता रहे हैं, मतलब रैली की सूरत में जाएँगे? जी, रैली तो इस्तकबाल वाली जगह से बनेगी जहाँ पे मतलब तमाम कारकुनान ज़िला के और बाहर से भी जो आ रहे हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आगे तकरीबन 10 किलोमीटर बनेगा जो इंशाल्लाह रैली की सूरत में कायद मोहतरम को लेकर जाएंगे हम। अच्छा, जो कारकुनान देख रहे हैं इनके लिए कोई पैगाम हो? पैगाम यही है कि जज्बात को बुलंद रखना है, और कायद मोहतरम जब आएँ तो ऐसे इस्तकबाल करना है कि कायद मोहतरम का दिल खुश हो जाए, और यहाँ पे दूसरे सियासियों के जो है ना वो सीने भी हिल जाएँ एक मरतबा, उनको भी पता चले कि यहाँ पे क्योंकि मियाँ वाली ये आपको पता है इमरान खान का घर है। इमरान का घर कहा जाता है, हम तो कहते हैं ये मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी साहब का घर है जी। तो इंशाल्लाह देखेगी दुनिया यहाँ पर लब्बैक की बाहरें होंगी जी इंशाल्लाह। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा हाशिम रिज़वी साहब। अब हम आगे जा रहे हैं इस्तकबाल के, जहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, आगे के भी आपको मनाजिर दिखाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मियाँ वाली के मशहूर चौक पर या जहाज चौक पर। यहाँ पर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का इस्तकबाल किया जाएगा। हमारे साथ कुछ कारकुनान ही मौजूद हैं, आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? बढ़िया ना, कुछ पूछो ना। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के लिए खड़े हैं जी, उनका इस्तकबाल यहाँ से करेंगे जी। तो इस बार मियाँ वाली इमरान खान का या साद रिज़वी का? साद रिज़वी का भी होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा, आप हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के लिए इधर आए हैं जी, तो उनका इस्तकबाल यहाँ से करेंगे जी? जी, ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत करेंगे, तो क्या इम्कान है, कब तक आ रहे हैं? इंशाल्लाह आधे घंटे तक आ जाएंगे। आधे घंटे तक। तो इस बार जो इलेक्शन होने, इसमें वोट आप किसको देंगे? लब्बैक के देंगे। मियाँ वाली इमरान खान का या साद रिज़वी का? रिज़वी का। उस मकसद को हासिल करने के लिए फिर किसी ने तबादला नहीं की, किसी ने कोशिश नहीं की। हाँ, जो करते रहे, जो करते रहे वो खराज तहसीन के लायक है। उनको सलाम है, उनको सलाम है कि जिन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी।